नमस्कार, मैं शिवानी। नॉनस्टॉप 30 खबरों में आपका स्वागत है। चलिए जानते हैं देश और विदेश से जुड़ी खबरें। महाराष्ट्र में भाजपा विधायक दल की बैठक में देवेंद्र फडणवीस को मुख्यमंत्री चुन लिया है। वह 5 दिसंबर को मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। बैठक में 137 विधायकों के समर्थन का दावा किया गया, जिसमें जन सुराज शक्ति पार्टी और रवि राणा का भी समर्थन शामिल है। मंत्रियों के शपथ पर चर्चा जारी है। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच 6 दिसंबर से एडिलेड में डे नाइट टेस्ट खेला जाएगा। पिच पर 6 मिलीमीटर घास का उपयोग किया जाएगा, जिससे तेज गेंदबाजों को मदद मिलेगी। पिच पर दोनों टीमों के लिए चुनौती होगी, लेकिन पुराने गेंद पर बल्लेबाजों को भी सहारा मिलेगा। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने लोकसभा में रेल संशोधन विधेयक 2024 पेश किया, जिसमें 1989 के रेलवे अधिनियम को 1905 के भारतीय रेलवे बोर्ड अधिनियम के साथ एकीकृत करने का प्रस्ताव है। इससे रेलवे की क्षमता और विकास में वृद्धि होगी। उन्होंने आगामी महीनों में नए कोच जोड़ने और सुरक्षा सुधारों की भी घोषणा की। फिल्म पुष्पा द रूल को लेकर जबरदस्त क्रेज है और इसे फैंस से सकारात्मक प्रतिक्रिया मिल रही है। फिल्म का बजट विशाल है और सुकुमार के स्क्रीन प्ले ने इसे एक शानदार पैकेज बना दिया है। अल्लू अर्जुन और रश्मिका के परफॉर्मेंस को हाईलाइट किया जा रहा है। 2020 में डोनाल्ड ट्रंप ने भारतीय यात्रा के दौरान भारतीय नौसेना के लिए MH-60 रोमियो मल्टी रोल हेलीकॉप्टर डील की घोषणा की। यह चौथी पीढ़ी का अत्याधुनिक हेलीकॉप्टर है, जो पनडुब्बियों पर हमला करने, हवा से जमीन पर हमला करने में सक्षम है। भारत ने 24 हेलीकॉप्टर खरीदे हैं, जो सी किंग हेलीकॉप्टर को रिप्लेस करेंगे और भारतीय नौसेना की ताकत को बढ़ाएंगे। योगी सरकार 6 दिसंबर को बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के महापरिनिर्वाण दिवस पर गोमती नगर में सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित करेगी। इसमें मुंबई, औरंगाबाद, आगरा और लखनऊ के कलाकार बाबा साहब के कृतित्व पर प्रस्तुति देंगे। कार्यक्रम में गायन, नृत्य और अन्य सांस्कृतिक प्रस्तुतियां शामिल होंगी। तेलंगाना के मुलुगु जिले में 5.3 तीव्रता का भूकंप बुधवार सुबह 7:27 में आया, जिसके झटके हैदराबाद और आंध्र प्रदेश के कुछ हिस्सों में महसूस किए गए। हालांकि किसी के हताहत होने या बड़े नुकसान की खबर नहीं आई। यह क्षेत्र में भूकंपीय गतिविधि का दुर्लभ उदाहरण है। दिसंबर में ठंड ने तेजी से अपना असर दिखाना शुरू कर दिया है। कश्मीर में तापमान जमाव बिंदु से नीचे जा चुका है, जबकि हिमाचल में बर्फबारी के कारण कई स्थानों पर आवाजाही रोक दी गई है। आने वाले दिनों में दिल्ली और यूपी में ठंड बढ़ने की संभावना है। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ICC ने इंग्लैंड और न्यूजीलैंड को स्लो ओवर रेट के कारण 3 पेनल्टी पॉइंट्स दिए हैं। इसे न्यूजीलैंड की वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल में पहुंचने की उम्मीदें कमजोर हो गई हैं। भारत, ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण अफ्रीका अब शीर्ष पर हैं। लोकसभा में रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि रेलवे हर साल टिकटों पर 56,993 करोड़ रुपये की सब्सिडी देता है, जिससे यात्रियों को 46% तक डिस्काउंट मिलता है। उन्होंने भुज और अहमदाबाद के बीच नमो भारत रैपिड रेल की सफलता की भी जानकारी दी, जो 5 घंटे में यात्रा पूरी करती है। भारत में साइबर अपराधों में भारी बढ़ोतरी हो रही है। 2024 के नवंबर तक 12 लाख शिकायतें दर्ज हो चुकी हैं। इससे साल 11,333 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। विशेषज्ञों के अनुसार 2033 तक साइबर हमलों की लागत 1,00,000 करोड़ रुपए तक पहुंच सकती है। सरकार साइबर सुरक्षा मजबूत करने के प्रयासों में जुटी है। पीएम मोदी ने विश्व दिव्यांग दिवस पर दिव्यांगजनों के सम्मान और समृद्धि के लिए अपनी सरकार के प्रयासों को साझा किया। उन्होंने दिव्यांगजनों की सेवा और स्वाभिमान का अमृत दशक पर विचार किए। मोदी ने दिव्यांगजनों के लिए कई नीतियों और योजनाओं की सफलता की सराहना की, जैसे सुगम्य भारत अभियान। मुकेश छाबड़ा और निर्माता मधु मंटेना ने एक नई लव स्टोरी फिल्म के लिए फीमेल लीड की तलाश शुरू की है। फिल्म के लिए टैलेंट सर्च का ऐलान किया गया है, जो भारत भर की प्रतिभाओं के लिए खुला है। EPFO पेंशन योजना में सुधार के तहत श्रम मंत्रालय पेंशन लाभ को आकर्षक बनाने के लिए पेंशन धारक की मृत्यु पर जमा राशि को परिवार को देने के प्रस्ताव पर विचार कर रहा है। इसके साथ ही पेंशन की न्यूनतम राशि को बढ़ाने और सदस्य योगदान बढ़ाने पर भी चर्चा हो रही है। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार पर 50,000 रुपये का जुर्माना लगाया है, क्योंकि उसने आतंकरोधी गश्त के दौरान बलिदानी सैनिक की पत्नी को लिबरलाइज्ड फैमिली पेंशन देने के लिए AFT के आदेश के खिलाफ अपील की थी। कोर्ट ने इसे अनुचित बताया और पेंशन देने का आदेश दिया था। चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के विवाद में ICC की बैठक 5 दिसंबर को होगी, जिसमें BCCI और PCB दोनों शामिल होंगे। पाकिस्तान ने हाइब्रिड मॉडल पर शर्तें रखी हैं, जिससे टूर्नामेंट की शेड्यूल में देरी हो रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सबका हाथ सबका विकास के सिद्धांत को सफलतापूर्वक सुशासन में बदलने का हाल ही में ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय और गेट्स फाउंडेशन के अध्ययन में पुष्टि की है। प्रगति मंच ने विभिन्न राज्यों में परियोजनाओं की प्रगति में सहायता की, राजनीतिक मतभेदों को दूर किया गया और संघवाद का नया मॉडल प्रस्तुत किया गया। एप्पल 2025 के पहले हाफ में आईफोन SE 4 लॉन्च करने की तैयारी कर रहा है। इस मॉडल में आईफोन 14 जैसा डिजाइन, 6.1 इंच OLED डिस्प्ले, नया प्रोसेसर, अपग्रेडेड कैमरा,
फेस आईडी और यूएसबीसी पोर्ट मिलेगा। इसे मार्च 2025 तक लॉन्च किया जा सकता है। फिल्म पुष्पा टू द रूल 5 दिसंबर को 2D में रिलीज होगी, जबकि 3D वर्जन एक हफ्ते बाद 13 दिसंबर को आएगा। हिंदी वर्जन के मिडनाइट शोज भी नहीं होंगे। टिकट बुकिंग में हुई देरी को लेकर दर्शकों को रिफंड मिलेगा। दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति यूंग सुक योल ने मंगलवार को आपातकालीन मार्शल लॉ लागू किया, जिससे देश में विरोध प्रदर्शन हुआ। बाद में संसद के बहुमत से इसे हटा दिया गया। विपक्ष पार्टी ने राष्ट्रपति के खिलाफ विद्रोह का आरोप लगाया और इस्तीफा देने की मांग की। डोनाल्ड ट्रंप ने कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो से मुलाकात करने के दौरान मजाक में कहा कि अगर कनाडा को 25% टैरिफ से खतरा है तो वह अमेरिका का 51वां राज्य बन सकता है। ट्रंप ने कनाडा के व्यापार घाटे और सीमा मुद्दों पर भी कड़ी बातें की। बाइडेन प्रशासन ने भारत को 1.17 अरब डॉलर की लागत पर MH-60R मल्टी मिशन हेलीकॉप्टर और अन्य उपकरणों की बिक्री की मंजूरी दी। इस बिक्री से भारत की पनडुब्बी रोधी युद्ध क्षमताओं में वृद्धि होगी और भविष्य के खतरों से निपटने में मदद मिलेगी। होंडा ने भारत में अपनी नई पॉपुलर कॉम्पैक्ट सेडान अमेज का 3rd जनरेशन मॉडल लॉन्च किया है। इसकी कीमत 7.99 लाख रुपए से शुरू होती है। नई अमेज में 1.2 लीटर पेट्रोल इंजन, 5 स्पीड मैनुअल और CVT ट्रांसमिशन विकल्प और ADAS जैसी सुविधाएं हैं। रूस के याकूटिया में एक उल्कापिंड गिरा, जिसका आकार करीब 70 सेंटीमीटर था। यह एस्टेरॉयड पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करते हुए कई टुकड़ों में टूट गया। स्थानीय लोगों ने इसे गिरते हुए देखा और वीडियो बनाया। उल्कापिंड ट्रैकिंग तकनीक में विकास की वजह से इसे सटीक भविष्यवाणी के साथ पहचाना गया। प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत अब तक 1.45 करोड़ पंजीकरण हो चुके हैं। इस योजना में पात्र लोगों को 300 यूनिट बिजली मुफ्त मिलेगी और सोलर पैनल लगाने के लिए सरकार सब्सिडी देती है। सब्सिडी का भुगतान सीधे बैंक अकाउंट में होता है। सचिन तेंदुलकर ने अपनी बेटी सारा तेंदुलकर को अपने फाउंडेशन सचिन तेंदुलकर फाउंडेशन में डायरेक्टर नियुक्त किया है। सारा ने यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन से मास्टर डिग्री की है और अब वो भारत में शिक्षा, स्वास्थ्य और खेल के माध्यम से समाज को सशक्त बनाने की दिशा में काम करेंगी। भारतीय लोक गायिका मैथिली ठाकुर की मेलबर्न में हुई प्रस्तुति ने हजारों लोगों को मंत्रमुग्ध कर दिया। 24 साल की मैथिली ने भारतीय लोक शास्त्रीय और भक्ति संगीत को वैश्विक मंच पर प्रस्तुत किया। उनके संगीत शिक्षक, पिता और परिवार का साथ भी उनके संगीत सफर में महत्वपूर्ण रहा है। एक व्यक्ति ने गंगा जल की शुद्धता जांचने के लिए हरिद्वार से पानी का सैंपल लिया और माइक्रोस्कोप से जांच की। दोनों माइक्रोस्कोपों में पानी में कोई भी कीटाणु या जीवाणु नहीं पाए गए, जो आमतौर पर नदी के पानी में होते हैं। यह परिणाम हैरान कर देने वाला था। हालांकि इसकी पुष्टि बिहारी न्यूज नहीं करता। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने राज्यसभा में बताया कि भारत और चीन के बीच 21 अक्टूबर को सहमति हुई थी, जिसके बाद सीमा पर सैनिकों की वापसी और गश्ती गतिविधियां फिर से शुरू हो गई। उन्होंने सीमा तनाव को कम करने और भारत चीन संबंधों के सुधार पर जोर दिया। सीरिया के एलेप्पो पर विद्रोहियों का कब्जा रूस के लिए एक बड़ा झटका साबित हुआ है। रूस, जो सीरिया में असद सरकार का समर्थन करता है, अब यूक्रेन युद्ध और ईरान के साथ समस्याओं के कारण सीरिया में पूरी तरह से मदद नहीं कर पा रहा है। यह सीरिया में रूस की सैन्य स्थिति को कमजोर करता है। बीते दिन पूछे गए हमारे द्वारा सवाल का आप लोगों में से बहुत लोगों ने अपना जवाब हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर दिया था। जिन्होंने पूछे गए सवाल का जवाब दिया उनके नाम है नौशाद रजा, मोहम्मद शाकिर हुसैन, राम बाबू दास, जितेंद्र ठाकुर, संजीव कुमार और राकेश मिश्रा। इसके साथ ही बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है, क्या आपके क्षेत्र में कोई ऐसी प्राकृतिक आपदा जो हर साल प्रभावित करती है, जैसे सूखा, बाढ़ या अन्य? कृपया अपने क्षेत्र का नाम और प्रभावित होने वाली आपदा का